अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मे-हसन हाजिर हूँ फिर एक झटपट और आसान सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे तो आपने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के मूली के पराठे बनेंगे। ये मैंने मूली को कद्दूकश करके रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका पानी इसी के अंदर है। मैंने इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं निकाला है इसका। अब इसी के अंदर मैंने ये हरा धनिया आधा बंच काट के रखा है, पुदीना आधा बंच काट के रखा है, ये डाल रही हूँ। इसी में मैं ये हरी मिर्चें और ये एक प्याज काट रही हूँ। और इसके साथ ही जो इसमें दूसरे मसाले में डाल रही हूँ वो ये 2 से 2.5 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें हैं, और ज़ीरा और साबुत धनिया है जो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा 1.5 चम्मच साबुत धनिया बहुत मोटा मोटा कूट लिया, थोड़ा सा चिकन पाउडर है, हल्दी है, नमक हसबे जायका है, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये लहसुन का पाउडर है जो मैं इसमें डालूंगी, ताकि इसका लहसुन आप फ्रेश भी लहसुन आप मोटा मोटा नॉन दस्ते में कूट के डाल सकते हैं। नमक भी इसमें चला गया, अब मैं इसे मिक्स करके आपको आटा गूंथ के बताती हूँ और क्या डलेगा। देखिए मैंने ये सब चीज़ें जो डाली हैं ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और इसमें लहसुन है, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है और साबुत धनिया है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, क्योंकि मूली ज़्यादा थी, तकरीबन बड़ी बड़ी मूलियाँ थी 3 से 4 जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब इसमें जो एक मैं डाल रही हूँ चीज़ ये बेसन है, तकरीबन 2 कप के करीब बेसन है और 2 कप के करीब ही आटा है। मैं देखूँगी हमें कितनी ज़रूरत है, हम दोनों चीज़ें इसमें डाल के आटे को इससे गूँधेंगे और वो इससे बाइंडिंग करेंगे इसकी। देखिए मैंने इसमें मिलाया है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के बनेंगे और खाने में बहुत मज़ेदार होंगे। बनने में थोड़ा सा इसको होगा, लेकिन हम इसको गरम गरम बनाएंगे। देखें ये इसी से इसका जो पानी है मूली का इसी से इसकी वाइंडिंग हो जाएगी। अभी जो बाकी का बेसन और आटा है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देखती आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपकी मूली कितनी है, और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें मैंने सारी चीज़ें देखी, और इस आटे को गूंदने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मूली ही का पानी इतना होता है कि उसी में ये गूंद जाएगा। ये देखिए ये सब मिक्स हो रहा है। अब मैं इसको जो थोड़ा सा मैंने बचाया था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर मैं आपको इसको पूरा करके बाइंडिंग और गोल इसको राउंड करके इस आटे को थोड़ा सा पानी का छींटा डालेगा इसमें, इसको कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ गुने का थोड़ी सी एहतियात के साथ, तो आप देख लीजिएगा। ये देखें मैंने इसमें पानी का एक छींटा भी अभी तक नहीं दिया, और ये अभी भी आटे में लोच है, और ये मैंने थोड़ा सा आटा और लिया है ताकि इसका बिल्कुल राउंड गोल बना के हम इसको मिक्स करके रख सकें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उससे इसमें लचक पैदा होगी और आटे की रोटी और पेड़े बनेंगे। ये देखिए ये मैं गूंद रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आटा और डाला था क्योंकि मुझे अभी मूली का पानी खुश्क नहीं हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि ज़रूर ये आटा और बेसन एक जैसा इतना नहीं लेना। अगर आपने 1 कप आटा लिया है तो 2 कप के करीब इसमें आप आटा डालेंगे, अगर 1 कप बेसन लिया है आपने तो, यानी इक्वल क्वांटिटी में नहीं रखना, 1.5 का रेशो रखना है। जैसे 1 कप बेसन लिया है तो 2 कप आटा डालेंगे, वैसा इसमें करीब अगर मैंने 1 कप बेसन लिया था तो 2 कप के करीब ही आटा गया है मेरा। अब जाके ये पूरा गोला बना है, और ये अभी भी इसमें जो पानी है मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने हल्का सा हाथ गीला करा। अब मैं ऑयल लगा के इसको समेटूंगी और फिर मैं इसको रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरा आटा गूंद के तैयार है, और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट गूना है। बस इसकी रोटी बेलने में आपको बहुत एहतियात से रोटी बनानी होगी, और मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। और नमक आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बाकी नमक अपने हिसाब से, तो मैं अभी आपको इसको रोटी और इसका पराठा बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये, इसके लिए आप पेड़ा बनाने के लिए आटे का यूज़ करेंगे,
क्योंकि आटा इसको बाइंडिंग करता है, तो ये मैंने पेड़ा बनाया है। मैं आपको बेल के और एक पका के दिखाती हूँ। तो बाप ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैं गरम गरम ही इन्हें बनाऊँगी। इस तरीके से आप इसका पेड़ा बनाएं। तो मैं इसको बेल के तवे पे डाल के दिखाती हूँ। खुशका लगा के आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये और सेट हो जाएगा और अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखें गल गया बिल्कुल। अब मैं इसे तवे पे डाल रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरा पराठा चूल्हे पे डाला हुआ है। मैंने इसका आँच हल्की करी है क्योंकि हमें इसे तेज़ चूल्हे पर नहीं पकाना, वरना ये कच्चा रह जाएगा। और ये दरमियानी मीडियम हाइट पर उस पर पकेगा आँच पर। तो मैं दिखाती हूँ आगे। ये देखें ये मैंने पलट दिया है और मैं ब्रश से इसमें घी लगा रही हूँ ताकि हमें इसमें ज़्यादा तेल नहीं लेना। और ये अब नीचे से पकेगा। ये देखें अब मैंने इसको फिर पलटा है। एक तरफ से मैंने ऑयल लगा दिया था, अब मैं दूसरी तरफ से ऑयलिंग कर रही हूँ। इससे ज़रा ब्रश से कम तेल लगता है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़े का लगेगा। ये तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पराठा सिक चुका है, तो अब मैं उसे उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरे मूली के पराठे रेडी हैं और इसमें बेसन भी है और आटा भी है गेहूं का। और देखें आप ये तोड़ने में कितने सॉफ्ट हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये बिल्कुल यूनिक और न्यू रेसिपी है और आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसे मैंने अचार के साथ सर्व किया है, इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ। होममेड अचार है और ये खीरा और प्याज कटी हुई, उस पर चाट मसाला डाल दिया है मैंने। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो मुझे जहाँ देख रहा है उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्म-ए-हसन हाजिर होती हूँ फिर एक झटपट और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।